मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज़ योर SST क्लास ऑफ क्लास 7. टुडे वी टॉट द चैप्टर आवर एनवायरनमेंट, बिकॉज इन द प्रीवियस क्लासेस वी हैव स्टडी अबाउट नेचुरल एनवायरनमेंट एंड ह्यूमन एनवायरनमेंट इन शॉर्ट, एंड नाउ वी स्टडी अबाउट इट इन डिटेल. सो लेट स्टार्ट आवर टॉपिक. फर्स्ट ऑफ ऑल, ओपन योर बुक्स एंड लिसन व्हाट आई हैव टॉट. ओके, so the topic is natural environment. Our earth is the only planet in the solar system that supports life. हमारा अर्थ ही हमारे सोलर सिस्टम में एक ऐसा प्लानट है जहाँ लाइफ है. दिस इज़ बिकॉज इट हैज़ एयर, वाटर एंड लैंड. ऐसा क्यों है? क्योंकि इसके पास एयर है, हवा है, पानी है, ज़मीन है. दिस थ्री कंपोनेंट्स आर ऑल्सो कॉल्ड द थ्री डोमेन्स और रिम्स ऑफ द अर्थ. इसे हम लोग थ्री डोमेन्स या रिम्स ऑफ द अर्थ भी बोलते हैं, इन तीनों कंपोनेंट्स को. द नैरो जोन वेयर ऑल दिस थ्री डोमेन्स एग्जिस्ट, अनदर डोमेन्स इज फॉर्म्ड. दस देयर आर फोर डोमेन्स और रिम्स ऑफ आवर अर्थ. हमारा नैरो जोन भी है जो इन तीनों जोन डोमेन्स को एग्जिस्ट करता है, इसलिए एक चौथा डोमेन्स भी तैयार होता है. द फोर रिम्स ऑफ नेचुरल इन्वायरमेंट आर, हमारे फोर रिम्स क्या हैं हमारे नेचुरल इन्वायरमेंट के? तो पहला है लिथोस्फेयर, दूसरा है हाइड्रोस्फेयर, तीसरा है एटमोस्फेयर और चौथा है बायोस्फेयर. लिथोस्फेयर द सॉलिड पोर्शन ऑफ द अर्थ, हमारे अर्थ का जो सॉलिड पोर्शन है उसे हम लिथोस्फेयर बोलते हैं. हाइड्रोस्फेयर ऑल वाटर बॉडीज ऑन द अर्थ, हमारे अर्थ पर जितने भी वाटर बॉडीज हैं उसे हम हाइड्रोस्फेयर बोलते हैं. उसके बाद है एटमोस्फेयर, कैनेपी ऑफ एयर अराउंड अस, हमारे अर्थ के चारों ओर एयर का एक लेयर है जिसे हम लोग एटमोसफेयर बोलते हैं. बायोस्फेयर द लिविंग वर्ल्ड, और जिसमें हम लोग पूरा हाइड्रोस्फेयर, एटमोसफेयर, लिथोस्फेयर है उसे बायोस्फेयर बोलते हैं. सब मिलकर क्या बना दें? बायोस्फेयर. तो पहला टॉपिक स्टार्ट करेंगे हम लोग लिथोस्फेयर. द आउटर मोस्ट सॉलिड लेयर ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड लिथोस्फेयर. लिथोस्फेयर क्या होता है? तो हमारे अर्थ का जो सबसे आउटर मोस्ट लेयर होता है, सॉलिड लेयर, उसे हम लिथोस्फेयर बोलते हैं. इट इज़ मेड अप ऑफ रॉक्स एंड सॉइल, ये किससे बना होता है? रॉक्स और सॉइल से. इट इज़ ऑल्सो नोन एज द क्रस्ट ऑफ द अर्थ, इसे हम अर्थ का क्रस्ट भी बोलते हैं. इट एक्सटेंड्स ओवर कंटिनेंट्स एज वेल एज ओशियन बेसिन, ये कंटिनेंट्स और ओशियन बेसिन से मिलकर बना है. अबाउट 71% ऑफ टोटल एरिया ऑफ लिथोस्फेयर इज कवर्ड बाई वाटर, फिर भी हमारे लिथोस्फेयर का लगभग 71% पोर्शन जो है वो पानी से घिरा हुआ है. द रिमेनिंग 29% इज़ ऑक्यूपाइड बाई लैंड, और बाकी का जो 29% है वो लैंड है. द टॉप मोस्ट सर्फेस ऑफ द लिथोस्फेयर कंसिस्ट ऑफ अ वेराइटी ऑफ रॉक्स एंड मिनरल्स विच आर यूजफुल टू अस, हमारे पता है हमारे लिथोस्फेयर का जो सबसे टॉप मोस्ट लेयर है उसमें बहुत सारे मिनरल्स और अलग अलग तरह के रॉक्स पाए जाते हैं जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल है. लिथोस्फेयर ऑल्सो प्रोवाइड अस विथ लैंड for various uses and soil for agriculture. Lithosphere का जो land है वो हमारे बहुत ही अलग अलग तरह के use के लिए भी काम आता है, और उसके जो soil है वो खेती के लिए, agriculture के लिए use किया जाता है. तो ये तो हो गया हमारा lithosphere. अब है hydrosphere. Hydrosphere is the that part of the earth's surface which is covered by water. पहले ही बता दिए थे hydrosphere में जितने भी water bodies हमारे earth पे वो hydrosphere में आएंगे. तो 71% हमारा earth का hydrosphere में जाता है. ऑल द वाटर बॉडीज सच एज ओशियन, सीज, रिवर्स, लेक्स टुगेदर मेक अप हाइड्रोस्फेयर, जो भी वाटर बॉडीज हैं जैसे कि रिवर, लेक, ओशियन, सीज, पॉन्ड्स, ये सारे मिलकर क्या बनाते हैं? हाइड्रोस्फेयर. इट ऑल्सो इंक्लूड्स द आइस शीट्स इन द पोलर एंड हाई माउंटेन रीजन, अंडरग्राउंड वाटर एंड वाटर वेपर इन द एयर, इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें आती हैं जैसे कि बर्फ का पहाड़ जो पोलर रीजन्स में होते हैं, या बहुत ऊँचे ऊँचे पहाड़ी रीजन में जो बर्फीले पहाड़ होते हैं वे, या फिर अंडरग्राउंड वाटर या वाटर वेपर जो हमारे एयर में होता है, ये भी हाइड्रोस्फेयर में ही आता है. फैक्ट फाइल देखिए है, इन द लिथोस्फेयर द कंटिनेंट्स आर फॉर्म बाई रॉक्स. लिथोस्फेयर का जो कंटिनेंट्स है वो रॉक्स से बनता है, कंपोज्ड ऑफ सिलिका एंड एल्यूमिनियम, जो कि सिलिका और एल्यूमिनियम से बना होता है. इट इज़ कॉल्ड द सियाल लेयर, इसे सियाल लेयर भी बोला जाता है. द रॉक्स ऑफ द ओशियंस बेसिन्स आर रिच इन सिलिका एंड मैग्नीशियम, दे फॉर्म द सीमा लेयर, इसलिए ओशियंस के जो पत्थर होते हैं ओशियन बेसिन्स के, वो ज़्यादातर उसमें ज़्यादातर सिलिका और मैग्नीशियम पाए जाते हैं, इसे हम लोग सीमा लेयर भी बोलते हैं. वाटर सपोर्ट्स ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ एंड इज यूजफुल टू
अस इन अ नंबर ऑफ वेज। पानी हमारे धरती पे जितने भी जीवन है उन सबको बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए पानी, और बहुत अलग अलग रूप में। फ्रेश वाटर अपार्ट फ्रॉम इट्स डोमेस्टिक एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रियल यूज़, इट इज़ यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी एंड ऑल्सो एज अ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। पानी का यूज़ हम लोग डोमेस्टिकेशन में, एग्रीकल्चर में, इंडस्ट्रियल यूज़ में करते हैं, उसके बावजूद इस साफ पानी का यूज़ बिजली उत्पन्न करने में या मीन्स ट्रांसपोर्ट के कुछ मीन्स में भी इसे हम यूज़ करते हैं, क्योंकि पानी हमारे पूरे जो लिविंग बींग्स हैं हमारे अर्थ पे उन सबके लिए बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है। ओशियन प्रोवाइड्स अस विथ फूड एंड मिनरल्स, ओशियंस में हमें भोजन और मिनरल्स दोनों मिलते हैं। दे मॉडरेट द क्लाइमेट ऑफ द कोस्टल एरियाज एंड ऑल्सो सर्व एज इंटरनेशनल ट्रेड रूट्स। इसका जो मॉडरेट क्लाइमेट है उसमें कोस्टल एरियाज हैं, जिससे कि सी रूट से ही इंटरनेशनल ट्रेड रूट्स बनाए जाते हैं, मतलब पानी के रास्ते से भी हम बिजनेस कर सकते हैं, नाव पे, नाव की मदद से एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं, बिजनेस कर सकते हैं, जहाँ लैंड के थ्रू जाना पॉसिबल नहीं है। हम एयरवे से तो जा सकते हैं, बट एक और वेज है वाटर, मतलब हाइड्रोस्फीयर भी इसमें बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। और नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एटमॉस्फेयर। दो टॉपिक तो हो गए, अब एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर क्या है? तो एक ऐसा लेयर हमारे अर्थ के चारों ओर जिसमें सिर्फ एयर हो, एक ऐसा परत जिसमें सिर्फ एयर हो, उसे हम एटमॉस्फेयर बोलते हैं। एयर बहुत सारे गैसेस को मिलाकर बना होता है, और बहुत सारे डस्ट पार्टिकल्स और वाटर वेपर को। जैसे नाइट्रोजन इज़ द मोस्ट अबंडेंट गैस फाउंड इन द एयर। नाइट्रोजन बहुत ही ज़्यादा मात्रा में हमारे एयर में पाया जाता है, करीब 78%। ऑक्सीजन कंस्टिट्यूट 21%, बाकी ऑक्सीजन होता है 21%, अब बच गया 1%। तो 1% एयर जो होता है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं, और भी बहुत सारे गैसेस होते हैं, जैसे हाइड्रोजन, आर्गन, हीलियम, ओजोन, ये सारे मिलकर क्या करते हैं, एक एटमॉस्फेयर तैयार करते हैं। द एटमॉस्फेयर इज़ वेरी डायनेमिक इन नेचर। हमारा एटमॉस्फेयर हमारे नेचर में बहुत ही ज़्यादा डायनेमिक, बहुत अद्भुत है। द कंडीशन ऑफ द एटमॉस्फेयर लाइक टेम्परेचर, प्रेशर, ह्यूमिडिटी एंड सनशाइन मेक अप द वेदर ऑफ अ प्लेस। हमारे जो एटमॉस्फेयर का कंडीशन है ना, जैसे उसका टेम्परेचर, उसका प्रेशर, ह्यूमिडिटी उसकी, चाहे सनशाइन, ये सब मिलकर एक जगह का वेदर तैयार करते हैं, मौसम तैयार करते हैं। द गैसेज इन द एटमोसफेयर आर यूजफुल टू अस इन वेरियस वेज। हमारे एटमोसफेयर के गैसेज जो हैं बहुत अलग अलग तरीकों में यूज़ किए जाते हैं। जैसे नाइट्रोजन इज रिक्वायर्ड टू मेंटेन फॉर द फर्टिलिटी ऑफ दिस सॉइल। नाइट्रोजन का यूज़ हम लोग सॉइल की फर्टिलिटी को मेंटेन करने के लिए करते हैं। ऑक्सीजन हम सांस लेते हैं जो लिविंग बींग्स हैं। कार्बन डाइऑक्साइड हेल्प्स प्लांट टू प्रोड्यूस फूड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। कार्बन डाइऑक्साइड की मदद से हमारे प्लांट जो है वो सनलाइट में भोजन तैयार करते हैं, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, जैसे सन को में सन की रोशनी आती है, फिर कार्बन डाइऑक्साइड आता है, तो प्लांट क्या करता है ना, भोजन तैयार करता है। इट ऑल्सो कीप्स द अर्थ वार्म बाई ऑब्जर्विंग द हीट रेडिएटेड फ्रॉम द सर्फेस। ये हमारे अर्थ पे जो हार्मफुल रेज आते हैं सन के, उससे भी बचाता है, उसे ऑब्जॉर्व कर लेता है। ओजोन, ओजोन प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज ऑफ द सन। ओजोन जो है वो हमारे सूर्य की हानिकारक किरणों से हमारी रक्षा करता है। वाटर वेपर इन द एटमॉस्फेयर कंडेंस एंड प्रोड्यूसेस प्रेसिपिटेशन। वाटर वेपर हमारे एटमॉस्फेयर में जो है वो क्या होता है, कंडेंस होता है, और फिर मतलब वाटर वेपर नदी से भाप बन के पानी निकलता है, तो गर्म हुआ, फिर बादल बनता है, फिर बारिश होती है। तो इस तरह से वाटर वेपर भी हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो ये हमारा तीन टॉपिक हो गया। नेक्स्ट टॉपिक है बायोस्फीयर, इसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज की क्लास में बस इतना ही, कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ सकते हैं। थैंक यू।